ग्वालियर चंबल संभाग के आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने भोपाल जाकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। आम आदमी पार्टी के युवा नेता जयंत सिंह सोमवासी के नेतृत्व में दतिया के एक सैकड़ा युवकों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हुए कहा कि वर्तमान में कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जहाँ लोकतंत्र सुरक्षित है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सदस्यता ग्रहण कराते हुए कहा कि प्रदेश में लोकतंत्र विरोधी ताकतों का मुकाबला करने के लिए जरूरी है कि समान विचारधारा के लोग एकजुट हों। पार्टी में नवागत युवा कार्यकर्ताओं के प्रवेश पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के अनुसार चलते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित जनहित के कार्य पर भरोसा करती है। आप लोगों को भी सच्चाई पर चलते हुए जनकल्याण के लिए कार्य करना है, यही एकमात्र संदेश आप लोगों के लिए है। आम आदमी पार्टी के युवा नेता जयंत सिंह सोमवासी ने कांग्रेस पार्टी के सदस्यता ग्रहण करते हुए कहा कि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी ही लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित कार्य करने वाली पार्टी है जहाँ लोकतंत्र सुरक्षित है। इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। जयंद्र सिंह सोमवासी, हिमांशु कुलश्रेष्ठ, सोमिल शर्मा, सत्येंद्र तोमर, दिलीप मिश्रा, शुभम गुप्ता, केश कुमार, हरिकिशन शर्मा, हॉबी अग्रया, राजेश राजपूत, भरत दीपक, सीताराम गुर्जर, विकास शर्मा, शीला आर्य, रमन खटिक, गोपाल गुर्जर, नवजोत सिंह, राजेश गुर्जर आदि कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी में बताऊँ आपको, ये एक तो पिछले विगत पाँच महीने में जो जिस प्रकार से बीजेपी द्वारा लोकतंत्र का गला घोटा गया, लोकतंत्र की हत्या की गई, जिस प्रकार से विधायकों की खरीद फरोख्त की गई, उस प्रकार से ऐसा लग रहा है जैसे ये भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो कि लोकतंत्र को बेचना चाहती है और लोकतंत्र का हनन कर रही है। जो आपके हमारे मूलभूत अधिकार है, जो हमारा वोट का अधिकार है, उसको खरीद रही है। और वर्तमान में इस मुद्दे को लेकर हमने कई बार अपने जो दिल्ली में हमारे प्रदेश संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल जी हैं, प्रदेश प्रभारी गोपाल राय जी हैं, इनको हमने कई बार बोला इस मुद्दे को लेके हमें आगे आना चाहिए, इस मुद्दे को लेके आपको कुछ बोलना चाहिए, लेकिन परंतु वहाँ से कुछ जवाब नहीं आया। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर दो ही पार्टियाँ हैं जो बहुत मुकाबले से खड़ी हुई हैं, और भारतीय जनता पार्टी को हराना है मतलब लोकतंत्र बचाने के लिए हमें किसी भी पार्टी के साथ जाना पड़े तो हम बिल्कुल जाएंगे। इसीलिए हम कांग्रेस के भी साथ आए हुए हैं, और चूँकि हम लोग आंदोलनकारी पृष्ठभूमि से आते हैं, हमारी पार्टी आंदोलनकारी पार्टी है, और वर्तमान में जो मध्य प्रदेश को ज़रूरत है वो आंदोलन की ज़रूरत है, संविधान की रक्षा करने की ज़रूरत है, लोकतंत्र को बचाने की ज़रूरत है, इस कारण हम अभी कांग्रेस के साथ।